आंखें देख रहे हैं, आंखों के साइड से ये जो ब्लैक कलर का एक डिजाइन सा बना हुआ है जो चोंच से होता हुआ जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं YouTube चैनल ब्लॉगर विनीत। दोस्तों आज मैं अभी अपने खेत पे घूमने आया था, अभी मुझे यहाँ खेत पे दोस्तों एक छोटी सी चिड़िया मिली जो कि बहुत ही जख्मी हालत में है और उसको हालांकि मैंने पकड़ लिया है। ये है वो चिड़िया, देखिए बहुत नन्ही सी चिड़िया है दोस्तों, ये देख रहे हैं। ये जो चिड़िया है दोस्तों ये ब्लू टेल्ड बी ईटर कहलाती है और ये जो चिड़िया है दोस्तों ये आपके छोटी छोटी जो कीड़े मकौड़े होते हैं या फूलों के रस होते हैं वो सब ये खाती हैं, चूसती हैं। और अब पता नहीं इसके साथ क्या दिक्कत है बेचारी के, अब ये घर जाके देखेंगे। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है दोस्तों कि इसकी जो ये आप आंखें देख रहे हैं, आंखों के साइड से ये जो ब्लैक कलर का एक डिजाइन सा बना हुआ है जो चोंच से होता हुआ जा रहा है ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और उसकी जो चोंच होती है दोस्तों वो बहुत ही पैनी होती है, ये देखिए बहुत शार्प चोंच होती है, लंबी होती है थोड़ी सी। और ये चिड़िया ज्यादातर कीड़े मकोड़े खाती हैं। यहाँ कैसे आ गई है कह नहीं सकता हूँ, खेत में घूम रहा था तो यहीं पे ये फड़फड़ाती हुई मुझे दिखाई पड़ी तो मैंने सोचा इसे उठा के ले चलते हैं घर और घर चल के इसका करेंगे ट्रीटमेंट। तो देखते रहिए ये वीडियो। तो दोस्तों इसे हम लेके आ गए हैं अपने ऑफिस में, जैसा कि आप देख रहे हैं काफी सुंदर चिड़िया है ये। आंखों का रंग देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे काजल सा लगा रखा हो। और बहुत ही सीधी चिड़िया है जैसे कि आप देख रहे हैं, घबराई हुई है थोड़ा सा क्योंकि इसके जहां तक मुझे लग रहा है ये जो पंख है इस साइड वाला ये लटका हुआ है नीचे, तो हो सकता है कि पंख के अंदर चोट लगी हो। तो हाँ चोट लगी है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये देख रहे हैं आप, ये इसका पंख यहां से लाल हो रहा है। तो अब इसमें थोड़ी सी दवाई वाई लगाई जाएगी और फिर इसको हम रखेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन और जब ये ठीक हो जाएगी दोस्तों तभी इसको दिया जाएगा उड़ा। तो ये है देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ब्लू टेल्ड बी ईटर कहलाती है ये चिड़िया दोस्तों। और ज्यादातर ये ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, जैसे कि हमारा ये ग्रामीण इलाका है, अक्सर हमारे घर भी आती हैं, एक पेड़ लगा हुआ है उसमें चोंच डाल के ये उस फूल के रस पीती हैं। ये चिड़िया जो है दोस्तों ये जैसे आपके नदी वगैरह होती हैं, नदी के किनारे जो मुहाने बने होते हैं उनमें मिट्टी के अंदर छेद बना के ये चिड़िया रहती है। पेड़ पे बहुत कम इनके घोंसले मिलेंगे आपको, ये ज्यादातर जैसे मान लीजिए ऊंचा सा टीला है नदी के किनारे या नहर के किनारे उसमें ये छेद बना देती हैं, खोल ऐसी अंदर थोड़ी सी हाथ भर लंबी, और उसके अंदर ये अपने अंडे वगैरह देती हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों इसी चिड़िया के ऊपर और उसमें मैंने इनके अंडे दिखाए थे, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, वहां से आप इस चिड़िया का जो घोंसला है और जो अंडे हैं, इनके जो अंडे होते हैं दोस्तों वो नीले रंग के होते हैं, तो वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यही है वो चिड़िया दोस्तों, देखिए ब्लू टेल्ड बी ईटर कहलाती है ये। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, गर्दन का रंग देखिए इसका कितना सुंदर लग रहा है। ये देख रहे हैं दोस्तों इसके यहाँ पे थोड़ी ये देखिए चोट सी लगी हुई है और बेचारी कितनी ज्यादा चोट लगी है इसके, या तो ये किसी चिड़िया वगैरह ने बाज ने इस पे झपट्टा मारा है या क्या किया है कह नहीं सकते हैं कुछ। ये देख रहे हैं आप बेचारी के पूरे पंख सूजे पड़े हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, चिड़िया को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और अभी उसको हमने रख दिया है एक छोटे से पिंजरे में और थोड़ा दो तीन दिन में देखते हैं कि वो उड़ने लायक हो पाती है कि नहीं। बेसिकली चक्कर क्या है कि ये ग्रामीण इलाका है और यहाँ पे छोटी चिड़ियों के या चिड़ियों के कोई भी डॉक्टर वगैरह नहीं बैठते हैं। हालांकि सरकारी डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पे जानवरों के, लेकिन वो सिर्फ जैसे आपके गाय है, भैंस है, इस तरह के जानवरों का यहाँ पे इलाज करते हैं। इससे पहले भी मैंने एक काफी बड़ा उल्लू था, उसका भी मैंने रेस्क्यू किया था, उसकी फोटो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गोहू का मैंने एक रेस्क्यू किया, जो चंदन गोहू होती है उसका रेस्क्यू किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों, गांव में इस तरह की बहुत चीजें मिलती रहती हैं और मुझसे देखा नहीं जाता है कि वहीं पे वो तड़प रही है या कोई जानवर उसको खा रहा है या वो बहुत परेशान है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उठा के ले आता हूँ। ऐसे ही जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक काफी बड़ा उल्लू मिला था मुझे, तो गांव वालों ने बताया था कि भैया जी यहाँ पे उल्लू पड़ा हुआ है, चटनी हालत में है। तो हालांकि उस समय मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाता था, मैं उल्लू को उठा के घर ले आया, बड़ा मुश्किल से पकड़ में आया दोस्तों। हम दो तीन लोग गए थे और उसको हम घर लेके आए और घर लाने के बाद फिर हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया और करीब वो हमारे पास रहा है एक डेढ़ हफ्ते। और उसके बाद जब वो पूरी तरह से रिकवर हो गया, पूरी तरह से ठीक हो गया था, तब हमने उसको उड़ा दिया था। पास में ही जंगल है जहां पे मैंने कई एक वीडियोस बनाई हैं, जहां मैंने गोह को ले जाके छोड़ा है। वो जो छोटा सा जंगल है वो इस तरह के जीवों के लिए बहुत ही उपयुक्त है, तो वहां ले जाके हमने उसे छोड़ दिया था। तो ये है दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो, आप लोगों को दिखाना था कि ग्रामीण जनजीवन किस तरह का होता है और क्या क्या चीजें यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो यही सब है इस वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सकें। और दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Yeah.